हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं और कहां से आया इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हम ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर आप जानेंगे तो क्या होते हैं वो तो देखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 हो, किसकी? वेरिएबल की डिग्री 2, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, A, B and C belongs किससे? R means real number। किससे belong करते हैं? Real number से होते हैं। अगर A 0 हो जाएगा बेटा तो ये x square नहीं रह जाएगा, तो ये बचेगा क्या? bx + c। तो फिर ये quadratic नहीं रह जाएगा। Clear? अगर ये quadratic नहीं रह जाएगा तो फिर ये quadratic polynomial भी नहीं रह जाएगा। अब जीरोस क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप जानते हो कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसको हम पुट कर दें और वो क्या करे कि उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो में कन्वर्ट कर दे। किसमें कन्वर्ट कर दे? कन्वर्टेड होल पॉलिनोमियल टू जीरो, कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है वो? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक रियल नंबर है अल्फा, अ रियल नंबर अल्फा। क्लियर? मींस वेरिएबल की वैल्यू अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर हम यानी कि वेरिएबल की वैल्यू अगर हम अल्फा रखें और पूरा का पूरा वो जीरो हो जाए तो हम कहेंगे वो क्या है? जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा वो एफ एक्स होता है पॉलिनोमियल ax² + bx + c, यही तो पॉलिनोमियल है। अब यहां पर इस एफ एक्स की अल्फा वैल्यू को हम रख दे क्या? अल्फा एक जीरोज है जिसको डिनोट करने के लिए हमने एक रियल नंबर का नाम लिया, वो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इस अल्फा की वैल्यू को कुछ भी रख दे, यानी कहां पर? जहां वेरिएबल है अगर वहां पर हम रख दें और ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो उसे हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इन अदर वर्ड्स कहें
the value of variable that we have to put in the polynomial, quadratic polynomial that converted whole polynomial to the zero is called zeros of the polynomial. Clear? क्या कहलाता है वो? Zeros of the polynomial कहलाता है. तो ये तो बेटा zeros of the polynomial हो गए. अब बात करेंगे हम कि क्या होते हैं quadratic equation. तो बेटा quadratic equations क्या होते हैं? A polynomial, a quadratic polynomial that are having quadratic equation की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा. Quadratic equation, equation क्या होते हैं इनको भी जान लो पहले. Equation क्या होते हैं? कोई भी polynomial है अगर उसमें equal का साइन है तो वो equation है. It means इसका मतलब कि अगर उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हैं तो वो क्या है? इक्वेशन. मींस अ पॉलिनोमियल दैट आर हैविंग इक्वल साइन इज नोन एज इक्वेशन. तो इसके पहले इक्वेशन की भी डेफिनेशन आप जान लीजिएगा. इक्वेशन क्या होते हैं? इक्वेशन क्या होते हैं? अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग इक्वल साइन, इक्वल साइन कॉल्ड पॉली, कॉल्ड इक्वेशन. क्या कहलाता है वो? इक्वेशन कहलाता है. जैसे सपोज करो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है. अगर इसी में इक्वल टू हो और जीरो हो या इक्वल के बाद कुछ भी हो, कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, तो वो क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आया? जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां पर ए बी और सी रियल नंबर होंगे. ए बी एंड सी आर क्या है? आर एंड सी आर रियल नंबर. क्या हो? रियल नंबर होने चाहिए. क्लियर? और ए कभी भी जीरो ना हो और उसमें इक्वल का साइन हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं. क्लियर? तो यहां पर और कंडीशन क्या है इसमें बेटा? ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता. अगर ए जीरो हो गया तो ए जीरो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो. और फिर बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी. तो क्या इसमें डिग्री टू है? तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सेम वेरिएबल हो और उसका पावर टू हो, उसका पावर टू हो मतलब हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर मींस डिग्री. तो जिसकी डिग्री टू हो वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है. अब कंडीशन एक चीज और आती है बेटा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ और भी चीजें हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, इसके अलग अलग तरीके की चीजें हैं, उनको आप समझ लीजिए. होप आप इसको समझ रहे होंगे, और समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना सा समझ में आ जाना बहुत अच्छी बात है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये आपको समझ में आ गया. अब ध्यान से देखना है इसको और आगे सोचना है कि ऐसा क्या हो करेंगे कि और क्या हो जाए. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन और भी होती है बहुत सारी. अगर a जीरो हो जाएगा, सपोज करिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर a जीरो हो जाएगा बेटा, a जीरो होना नहीं चाहिए, अगर जीरो हो जाएगा तो बन जाएगा क्या? ये बी एक्स प्लस सी. अगर यही में b जीरो हो सकता है, b कैन बी जीरो, c कैन बी जीरो, बट a नेवर जीरो, a कभी भी जीरो नहीं होना है. अगर a जीरो हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा. बस इतनी सी बात समझ लीजिएगा. अगर ये मान लीजिए कि b जीरो होगा तो ये क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ना. और अगर हमारा c जीरो हुआ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो जाएगा इक्वल टू जीरो, तब भी ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री टू है. क्लियर? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएंगे.
क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये तो समझ में आया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि ऐसी ये पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह दो, तो इसमें जो भी वेरिएबल की वैल्यू रख दिया जाए और उस पूरे पॉलिनोमियल को वो कन्वर्ट कर दे जीरो में, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जानते हो कि डिग्री जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अगर क्यूबिक है तो उसमें 3 सॉल्यूशन होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 सॉल्यूशन होंगे, यानी 2 सॉल्यूशन मींस 2 फैक्टर, 2 फैक्टर मींस 2 जीरोज, तो जो फैक्टर है वही जीरोज है और जो जीरोज है वही फैक्टर भी हो जाते हैं। सपोज करिए अगर एक्स इक्वल टू हमारा आया 1, तो ये x इक्वल टू 1 ये जीरोज हुआ, लेकिन x माइनस 1 क्या हो गया, इक्वल टू 0, ये फैक्टर हो गया। क्लियर, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास और भी मेथड है, उन मेथड्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है इनको समझने की जरूरत है आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर यानी कि जिसकी इसकी डिग्री देखो हाईएस्ट क्या है 2 है, ए बी सी रियल नंबर है, वेरिएबल इसमें एक्स है, सेम वेरिएबल होना चाहिए, और एक्स की पावर कितनी, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसके सोल्यूशन कितने आएंगे 2 आएंगे। क्लियर, अब कंडीशन ये आती है कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से जान पाएंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहां पर जान लीजिए, अगर आपके पास एक दिया है एफ एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पर हमारे पास एक कंडीशन आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे इसके, 2 इक्वल रियल रूट्स। अब आप एक तरीका हम आपको बताते हैं, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं कैसे होता है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक एग्जांपल हमने लिया है आपको समझाने के लिए। यहां पर कह रहा है बी स्क्वायर, बी क्या है यहां पर कोफिशियंट ऑफ एक्स, बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स, अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें माइनस 4 इंटू ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, जिसका कुछ नहीं उसका भगवान होता है और सबका मालिक 1 होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 25 माइनस 64 जा 24। क्लियर, अब यहां पर 25 माइनस 24 करेंगे तो क्या आया 1 आया, 1 क्या है 0 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए 0 से बड़ा आ जाए तो क्या कंडीशन होगी 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दोनों अलग अलग रूट आएंगे, इसी को कहते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स की बात हम कर रहे हैं अभी, हम कैसे हमको पता चलेगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा, और दो सॉल्यूशन तो दो ही होंगे तो उनमें दोनों आपस में इक्वल होंगे या दोनों अलग अलग होंगे या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, इस पर भी चर्चा किया जाता है। तो नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन हम आपको बता रहे थे तो कैसे निकालते हैं ये हमने एक एग्जाम्पल दिया, नेचर ऑफ रूट्स में कंडीशन क्या आती है आपके पास ये आप जान लीजिए। तो नेचर ऑफ रूट्स में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया तो इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, कितने होंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, कहने का मतलब अगर x इक्वल टू 1 आया तो दूसरा भी x इक्वल टू 1 आएगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। क्लियर, अब एक कंडीशन और आती है, तो पहली थी, दूसरी कंडीशन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है तो इसकी कंडीशन होगी कि 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, यानी कि दो रूट आएंगे और दोनों रूट क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, दो अलग अलग होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे।
रियल रूट्स आएंगे इस कंडीशन में। अब एक कंडीशन और तीसरी कंडीशन भी आती है, अभी मैं बात करूंगा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को भी कुछ कहा जाता है। तो आप याद रखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू लेस देन जीरो आ गया, लेस देन जीरो आ गया यानी माइनस वन हो जाए, माइनस टू हो जाए, माइनस थ्री हो जाए, एवरी निगेटिव नंबर इज लेस देन जीरो, सो वी हैव टू से तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्या हो जाएगा बेटा, अगर जीरो इसका वैल्यू जीरो से कम आ जाए तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स, ऐसी चीजों को नो रियल रूट्स, ऐसी चीजों का फैक्टराइजेशन करना ही नहीं है। तो याद रखिएगा हमारे पास दो तीन तरीके की कंडीशन आती हैं, अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है कि कैसे कैसे कितने रूट्स होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टू जीरो अगर हो गया तो इसके टू इक्वल रियल रूट्स कहते हैं, और बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बड़ा हो गया जीरो से तो इसमें दो अलग अलग रूट्स होंगे, और बी स्क्वायर माइनस फोर एसी लेस देन जीरो हो गया तो ये कह देंगे कि इसका भी फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, यानी कि इसका भी कोई भी रूट्स निकलेगा ही नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ देना चाहिए, उसको सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कंडीशंस आती हैं, ये तीन नेचर ऑफ रूट्स होती हैं। अब देखो इनको सॉल्व करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, प्लस सॉल्विंग मेथड ऑफ सॉल्विंग, कितने होते हैं ये बता दे रहा हूं, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, टाइम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, समझने की जरूरत यह है कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक सब तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हैं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी कि उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं, तो वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है। और एक दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के भी बारे में हम चर्चा करेंगे, उसको जब चर्चा करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और बताना चाहिए था मुझे कि इस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को क्या कहा जाता है, इस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को हम डी के नाम से कहते हैं, और डी क्या कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अब ध्यान से एक चीज और जान लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझते जाइएगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी को हम डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं। और एक चीज जानने की जरूरत है आपको कि फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको समझ में आता होगा, फैक्टराइजेशन आप क्लास नाइन्थ में भी करते रहे और टेंथ में भी करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत तो होने जा नहीं रही है। और उसके बाद एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके लिए नया आएगा जिसकी हम चर्चा अभी अगले वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद अब आपको हमने बताया कि बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टू डी होता है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है दोनों के बीच का भेद, तो ये कंडीशंस हो जाती है। अब एक चीज और है, इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमारा एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी प्रूव हो जाता है, उसी क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम श्रीधराचार्य का रूल कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करते हैं, क्या फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला क्या है, तब तक आप इसको देखिए, धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।